हेलो दोस्तों, जे मोबाइल में फिर से एक सॉल्यूशन के साथ आप सबका स्वागत है। आज बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स C1 की, जिसमें IME नंबर करप्ट है, IME नंबर नूल हो चुका है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी ट्रिक है। माइक्रोमैक्स एंड्रॉयड वर्जन है 7.0, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एंड माइक्रोमैक्स C1 है और CPU है जो MT6737, इसका IME नंबर हमें ठीक करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो काम है IME रिपेयरिंग का, वो इसमें होगा, मुईमेटा में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हमारी कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद 5 सेकंड्स का एक ऐड खुलेगा एडप्लाई में, आप देख सकते हो। यहाँ आपको सिर्फ 5 सेकंड वेट करना है। 5 सेकंड वेट करने के बाद ये देख सकते हो आप, स्किप का ऑप्शन आ चुका है, स्किप कर लेना है। स्किप करने के बाद एक और पेज खुलेगा जो गूगल ड्राइव का है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से भी, दोनों में से कोई भी एक जगह से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप उसे करोगे, मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह आएगा विनरार की शक्ल में। आपको इसके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये इस तरह आएगा, यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें जब आप इसे ओपन करोगे तो कुछ दिखा दूं। तो फर्स्ट में अपने मुईमेटा जो ये टूल है, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूं। हमें इसे एडमिनिस्ट्रेटर में रन करना है। ये आप देख सकते हो जो टूल है वो आ चुका है। अब हमें करना क्या, तो हमारा ये हमारा डिवाइस है, इसे हमें पहला स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ, इसे आपको स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ करने के बाद वॉल्यूम डाउन की बटन को प्रेस करना है और इसे केबल को लगाना है। लेकिन पहले हमें पीसी के अंदर में, हमारा पीसी है, यहाँ हमें इसे रिकनेक्ट दे देना है। ये रिकनेक्ट देना है, इसे लाइट ब्लिंक होगी, आप देख सकते हो। और अब हमें इसे केबल कनेक्ट करना है। मैं आपको दिखा दूं, ये जो केबल है, मैं वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करता हूं और केबल को कनेक्ट करता हूं। वॉल्यूम डाउन का बटन को प्रेस कर रखना है, एन केबल को पुट करना है, नंबर डालना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसे हमें इसे छोड़ देना है। इसमें एंड्रॉइड का जो है अब इसमें लोग आ गया है, लेकिन हमें इसे छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, कुछ करना नहीं। फैक्ट्री मोड आ चुका है, फिर से ट्राई करते हैं। ये आप देख सकते हो, यह हरा जो लोगो है वो आ चुका है, जिसका मतलब है ये फोन कनेक्ट हो चुका है। यहाँ हमें इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ जाएंगे हम, यहाँ हमें IME डाउनलोड पर क्लिक करना है। IME डाउनलोड पर क्लिक करते कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ जाना है, यहाँ हमें चेंज
स्क्रीन रैम डेटाबेस फाइल ये सिलेक्ट किया। अब हमें वो फाइल जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है, डीबी फाइल जो हम बोलते हैं, मैंने कंप्यूटर में रखी हुई है। आपको यहाँ डीबी फाइल डालनी है जो मैंने डाउनलोड की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आपको जो डालने हैं वो आई एम ई नंबर ध्यान रखें, आप कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको हाथ से डालने हैं, हाथ से मैन्युअली डालने हैं। कॉपी पेस्ट करोगे तो ये ठीक से आएगा नहीं, मैं आपको दिखा दूँ जो वो इस तरह आ जाएंगे और लास्ट आंकड़ा है वो अपने आप आ जाएगा, जो लास्ट का जो डिजिट नंबर है अपने आप आ जाएगा, लास्ट वाला डिजिट आपको नहीं डालना, अपने आप आ जाएगा। ओके, और कॉपी पेस्ट नहीं करना। उसके बाद आपको जस्ट प्लस दे देना है, उसके बाद आप देख सकते हो आपको कुछ ही नहीं करना, सिर्फ इस प्लस को दे देना है और कुछ ही सेकंड में ये मामला हो जाएगा और आपको फोन डिस्कनेक्ट करके स्विच ऑफ करके ऑन करके आई एम ई नंबर चेक कर लेना है, 101% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो।